हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज आइए आप सभी लोग, गुड इवनिंग सर एंड मैडम, मोस्ट वेलकम। थोड़ा सा कमेंट बढ़े। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप लोगों को पता है हम लोग जल्दी शुरू करने वाले थे, तो टेक्नोलॉजी तुम्हें पता ही है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फास्ट है, तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा जल्दी शुरू कर देते हैं। चलो कोई नहीं, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और हम रिवाइज कर रहे हैं, आप लोगों को पता है। और आप अगर हिंदी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हिंदी में कुछ बड़ा कर सकते हैं इस बुक के थ्रू, ठीक है। ये है सामान्य हिंदी की बुक, आप ऐप पर जाकर पढ़ सकते हो, मतलब इसको वहां से ले सकते हो, ठीक है, हिंदी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। चलिए ये देखो क्या कहते हो, कहते हैं सर हाल ही में बीआरओ ने रिकॉर्ड कितने दिनों में रणनीतिक, ये बोलता है रणनीतिक जो जिला दर्रा को खोल दिया है, जरा बताना क्या लगाओगे, जो जिला दर्रा को खोल दिया। अरे भाई इतने भी बड़े कमेंट नहीं करते थे, ये तो हावड़ा बिरजा बना दिया इनका, ये भाई कुछ भी कर देते हो भाई। इधर देखो। चलिए इतने भी बड़े नहीं करने थे ये। हाँ, अब ठीक है। कल क्लास करी थी तुमने, ठीक है, कल क्लास हुई थी। देखो क्या कहता है सर, कहता है सर जिसने पहले पढ़ा होगा आंसर कर सकता है, हमने किया था अगर याद हो, जब नया नया क्वेश्चन ये बना था। हाल ही में बीआरओ ने रिकॉर्ड कितने दिनों में रणनीतिक जोजिला दर्रा को खोल दिया, 68 दिनों के अंदर रीओपन कर दिया उसको। देखो सर, अगर आप श्रीनगर से करगिल से फिर लेह जा रहे हो, तो करगिल के पास ये दर्रा पड़ेगी और इस दर्रा में बर्फ जम जाती है तो रास्ता बंद, आप फिर लेह कैसे पहुंचोगे, है ना। तो ये करगिल के पास है और कहां है, लद्दाख के अंदर पड़ती है। तो आप क्या लगाओगे सर, 68 दिनों में खोल दिया, है ना। 7 मई 1960 को क्या बना था सर, बीआरओ बना था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना था। नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है सर 2022 तक भारत में कितने राज्य है, ठीक है, जरा बताइए क्या लगाओगे। ऐसा ना क्वेश्चन तुम्हें फ्री फंड का नंबर देके जाता है, ये CHSL आया हुआ है, ध्यान रखना 15 की फर्स्ट शिफ्ट का, और कब, मार्च के अंदर जब हुआ था ये, उसका क्वेश्चन है 15 की फर्स्ट शिफ्ट में। तो क्या लगाओगे सर, 28 राज्य है 2022 के हिसाब से, और अभी 2023 में भी 28 ही है सर, और हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अगर आप जाओगे सर 2019, ध्यान रखोगे 2019 की फरवरी में जाओगे, जनवरी में जाओगे, है ना, और 2019 में जाओगे, तो आपको 29 राज्य देखने को मिलेंगे। कितने राज्य देखने को मिलेंगे, 29 राज्य, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आज के टाइम पे हमारे पास 28 राज्य 8 स्टेट है, ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, बोला सर ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो सर वो कब मनाया जाएगा, 13 सितंबर, 10 सितंबर, 16 या फिर 18 सितंबर। ऐसा था सर जी, ओजोन परत, ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर आपको 18 से 35 किलोमीटर के बीच में आपको ओजोन परत देखने को मिलेगी, आपको ओजोन परत देखने को मिलेगी, यानी कि O3 देखने को मिलेगी 18 से 35 किलोमीटर ऊपर आपको। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है क्या करती है, अवशोषित कर लेती है और प्योर किरणें करके पृथ्वी पर भेजती है। अच्छा ठीक है, इतनी बात हमारी समझ में आई। अब क्या हुआ सर, इसको बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल लिया गया मॉन्ट्रियल के अंदर, ध्यान रखोगे मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है, मॉन्ट्रियल के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखोगे, मॉन्ट्रियल के अंदर, है ना, मॉन्ट्रियल के अंदर 1987 16 सितंबर को एक प्रोटोकॉल लिया जाता है, प्रोटोकॉल मतलब एक निर्णय लिया जाता है कि भी इसको बचाएंगे कैसे भी करके, CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका हम ज्यादा उत्पादन नहीं करेंगे जिससे इसको प्रॉब्लम होती है, इसको सेफ रखना है, तो 16 सितंबर इसलिए तारीख चूज की गई थी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। यूनाइटेड नेशन महासभा ने 1994 में यह बोला था कि आप 16 सितंबर को डिक्लेयर कर लीजिए और ओजोन दिवस मनाइए। बोलते हैं सर निम्नलिखित में से कौन डूरंड कप 2022 का उपविजेता था, जरा बताना क्या लगाओगे सर, कौन सा है डूरंड कप, सर जी डूरंड कप कौन जीता सर, ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है, किस चीज का, फुटबॉल का, 1888 में भारत में शुरू होता है और भारत के शिमला से शुरू होता है ना, भारत का सबसे पुराना, ध्यान रखोगे कोई टूर्नामेंट है,
भारत का फुटबॉल के अंदर अगर कोई टूर्नामेंट सबसे पुराना शुरू हुआ था तो डूरन कप। सर इसको लास्ट ईयर 2022 में कौन उपविजेता रहा है? कौन उपविजेता? हारा कौन? मुंबई हारी, है ना, मुंबई हारी। जीता कौन? जीती बेंगलुरु। ध्यान रखोगे जीती कौन है? बेंगलुरु जीती है सर जी। हारी कौन है? मुंबई हारी है। हारी मुंबई, ठीक है, ये ध्यान रखना, मुंबई हारी है। कैसा क्वेश्चन है? उपविजेता को पूछ लिया उसने, बोलता है सर निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हो आप? जरा बताओ किसका सर जी? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। आओ देखते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको बोलोगे आप, है ना, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। तो सर वो क्या हो जाएगा? नेपच्यून, यूरेनस, शुक्र या फिर मंगल। सर ये शुक्र हो जाता है। ये हमारी कौन सी है सर जी? ये पृथ्वी है। इसके बाद तुरंत कौन सा आएगा? बुध को। सॉरी पृथ्वी नहीं, ये हमारा ध्यान रखोगे सन, ये हमारा सन है जो कि एक तारा है, एक स्टार है, हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसके बाद बुध आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा यहाँ पे ध्यान रखोगे? ये शुक्र आएगा, फिर आएगी हमारी पृथ्वी और फिर आएगा मंगल। ये चार आते हैं, इनको पार्थिव ग्रह बोलते हैं, चारों को पार्थिव बोलते हैं हम इनको। अब ये जो शुक्र आप देख रहे हो ना, ये जो शुक्र है सर जी, इसी को बोलते हैं पृथ्वी की जुड़वा ग्रह बोलते हैं, या फिर बहन बोल देते हैं, बहन। पता है ये कैसे घूमता है? ये क्लॉकवाइज घूमता है, ये चीज आप ध्यान रखना। ये कैसे घूमेगा सर? क्लॉकवाइज। ये और अरुण दोनों के दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये और अरुण ग्रह दोनों के दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। इसको भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कह देते हैं, ये भी ध्यान रखना। कोई उपग्रह नहीं है इसके पास, बुध के और इसके पास कोई अपना नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, बोलते दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम उद्योगपति के नाम पर बनेगा। किस उद्योगपति के नाम पर बनने जा रहा है सर? दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े स्टेडियम का नाम सर वो अनिल अग्रवाल के नाम पर बनने जा रहा है। ध्यान रखोगे अनिल अग्रवाल, ये चीज आप ध्यान रखना। इनका जन्म पटना में हुआ था, कहां पर हुआ था सर? पटना के अंदर हुआ था। तो इन्हीं के नाम से जयपुर के पास में क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जो दुनिया का तीसरा, भारत का दूसरा। अब भारत के अंदर अगर हम देखें सर, भारत के अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है और दुनिया का सबसे बड़ा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है दुनिया में? मेलबर्न, है ना, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का, वो आता है सेकंड नंबर पे। तो दुनिया का तीसरा बनेगा ये, याद रखोगे जयपुर के पास। आ जाओ भैया नेक्स्ट पर, बोला सर निम्नलिखित में से कोई एक सुमेलित नहीं है, जरा बताइए क्या लगाओगे? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसको लाइव चैट पे करना मांगता है भैया, जरा एक सेकंड रुकेगा, है ना। चलो आप देखो अनिल अग्रवाल है, मोदी मिस्टर परफेक्ट, बहुत अच्छा। चलो ये क्या कहते हैं सर जी, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सर एक सुमेलित नहीं है, क्या राउरकेला उड़ीसा में नहीं है? बिल्कुल है सर जी, वहां पर है, ठीक है। क्या भिलाई छत्तीसगढ़ में नहीं है? बिल्कुल है जी, वहीं पे है। या फिर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में नहीं है? बिल्कुल है जी, वहीं है। अब इसमें से बोकारो क्या कर्नाटक में? ध्यान रखोगे ये बोकारो वहां नहीं है, तो बोकारो कहां है? झारखंड में है। ध्यान रखोगे कहां है? झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखोगे किधर है? झारखंड इज द राइट आंसर, है ना। चलिए ये चीज आप ध्यान रखोगे, वॉइस आ तो रही है, कोई दिक्कत नहीं है भैया वॉइस में। बोलते हैं सर लवली चौबे, जरा बताना ये किससे है? लवली चौबे का संबंध आपको इनमें से किससे लगेगा? जरा बताओ क्या लगाओगे? एक लवली चौबे खेल से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी है, और ये किससे सर? लॉन बॉल से। ध्यान रखोगे किससे? लॉन बॉल से इनका जुड़ाव है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। कौन हो जाता है? लॉन बॉल्स इज राइट आंसर, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलते हैं सर सितंबर 2022 में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर के स्मारक का उद्घाटन किया गया? जरा बताओ क्या लगाओगे सर वहां पे? गैंडा, या फिर आप लगाओगे दरियाई घोड़ा, लंगूर, या फिर आप लगाओगे वन मानुष। अब जरा सोचो कि भाई असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस है, ऑब्वियसली आप उसी का उद्घाटन करोगे, गैंडा, ठीक है। ध्यान रखोगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सर वहां पर मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, मानस नेशनल पार्क भी वही है, ये भी ध्यान रखोगे आप, है ना, मानस नेशनल पार्क। असम, असम के ध्यान रखोगे सीएम, असम के ध्यान रखोगे सीएम कौन है? वह हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा, ओके। गुलाब चंद कटारिया कौन है आपके? गुलाब चंद कटारिया, ये चीज ध्यान रखोगे, ये हो जाते हैं यहां पर गवर्नर, है ना। नेक्स्ट बोलता है सर यूएई के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? यूएई के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? हु बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएई?
सर यूनाइटेड अरब एमिरेट, इसकी राजधानी अबू धाबी। क्या है इसकी राजधानी? अबू धाबी। इसका बड़ा शहर कौन सा है? दुबई। इसका बड़ा शहर है दुबई। ये सब रियासत है, अबू धाबी, दुबई, शारजा, वहां पर पड़ने वाली रियासत है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तभी तो ये मिलके बनता है। सर शेख मंसूर, ध्यान रखोगे, शेख मंसूर बिन जायद अल नहान। ओके, ध्यान रखोगे, शेख मंसूर बिन जायद अल नहान इसके वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। बोलते हैं हाल ही में तीसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर राम साहेब प्रसाद यादव को चुना गया है, जरा बताओ क्या लगाओगे? बोला सर हाल ही में तीसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर राम साहेब प्रसाद यादव को चुना गया है। अब ये सूरीनाम के, फिजी के, नेपाल के, फिनलैंड के हैं, ध्यान रखना नेपाल से बन सकता है क्योंकि वहां पे चेंज हुए हैं सारे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। सर उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के, है ना, रामचंद्र पौडेल, ध्यान रखोगे रामचंद्र पौडेल ये वहां के राष्ट्रपति बने हैं, ये वहां के क्या बने हैं? राष्ट्रपति, है ना, ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ के आप लोग। पुष्प कमल, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ध्यान रखोगे प्रचंड, ये क्या बने हैं वहां पे? पीएम, ध्यान रखोगे ये पीएम बने हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे, पीएम रामचंद्र पौड़ेल राष्ट्रपति, पुष्प कमल दहल प्रचंड पीएम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेपाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ सर। बोला शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। और अभी आप ये भी चीज ध्यान रखना कि ये इंडिया जो ग्रुप बना है कितनी पार्टियों का बना है, ये जो सर अगर आपसे पूछे कि इंडिया जो ग्रुप बना है वो 26 पार्टियों का बना है, ये चीज आप ध्यान रखना, जरूरी ध्यान रखोगे आप, ठीक है। और 38 पार्टियां एनडीए के साथ है, है ना, ये 38 पार्टियां है, समझ गए आप लोग, उधर इंडिया 26 पार्टियां है। और सर शिवसेना महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय पार्टी है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, किसने की थी? बाला साहेब ठाकरे, याद हो गया होगा अब तो आपके, बाला साहेब ठाकरे। लेकिन अब ये किसके हाथ में चली गई? अब तो सर एकनाथ शिंदे के हाथ में है, एकनाथ शिंदे के पास है ये पार्टी, ये चीज आप ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या लगाते हो? बोलते हैं मूर्ख दिवस यानी कि अप्रैल फूल डे कब मनाया जाता है, जरा बता रहे क्या लगाओगे? अप्रैल फूल डे तो सब जानते हैं, ठीक है, तो सर ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है, है ना, 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको पता है। अच्छा सर अगर आपसे बोलने लगे कि सर पंचायती राज दिवस, है ना, पंचायती राज दिवस ये कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं सर जी, 24 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना आप। बोलते किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग मिला? अब सर किस राज्य का है वो बनारसी पान जिसको जीआई टैग मिला? किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग मिला है सर जी, आप क्या लगाओगे? ये जीआई टैग छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश के अंदर है बनारस, वहीं से जीआई टैग मिला है, है ना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते सर किस राज्य के बनारस लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला? अब उसमें बनारस नाम ऐड हो गया, ऊपर से लंगड़ा आम, है ना, दशहरी, चौथा, आपने ऐसे आम सुने होंगे, तो ये भी उन्हीं में से, ध्यान रखोगे लंगड़ा आम, तो ध्यान रखोगे ये हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश से, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ रहे हो। बोला सर निम्नलिखित में से किसे 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया? कौन सा मेडल सर जी? लिबर्टी मेडल 2022 में किसे सम्मानित किया गया? पुतिन को? नो, पुतिन को तो वैसे ही परेशान किया हुआ है। ट्रंप हो जाते हैं क्या, जो वहां के 45वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के? नो सर जी, ये भी नहीं है। एंजेला मर्केल? नहीं, ये तो जर्मनी की चांसलर रही थी, यूनेस्को का शांति पुरस्कार मिला है इनको, तो यूनेस्को का शांति पुरस्कार मिला है इन्हें, तो ये भी नहीं है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की? यस, ज़ेलेंस्की इज द राइट आंसर। ये कौन है सर? यूक्रेन, ध्यान रखोगे यूक्रेन से जरूर ध्यान रखना, यूक्रेन के राष्ट्रपति, याद रखोगे क्या थे पहले? कॉमेडियन अभिनेता थे, याद रखोगे कॉमेडियन अभिनेता। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव, ये भी चीज आप ध्यान रखना। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए थे उसने, जरा बताओ वो कौन था जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए फाइनल मैच में? भाई सर 1983 में जब वर्ल्ड कप खेला गया इंग्लैंड के अंदर, इसका फाइनल खेला गया, आमने सामने थी भारत और वेस्ट इंडीज, भारत वर्सेज वेस्ट इंडीज थी, है ना, क्लियर हो जाएगा। अब भारत ने 183 रन बनाए थे, इन्होंने बनाए 140 वेस्ट इंडीज ने, भारत जीत जाता है। जब भारत जीत गया है तो किसने भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए?
कृष्णाचारी, ध्यान रखोगे कृष्णाचारी श्रीकांत इज द राइट आंसर, अमरनाथ नहीं है, गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो ध्यान रखोगे श्रीकांत इज द राइट आंसर। उस टाइम पे 60-60 ओवर का होता था, भारत ने 60 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता है, 2011 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीत रखा है, 2007 में 20 ओवर का भी जीता हुआ है, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, बोला सर हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकार अल्मोड़ा शहर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है, यानी कि अल्मोड़ा कहां पर पड़ता है सर, उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड वाले क्या बनाने जा रहे हैं, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं अपने यहाँ पे। क्यों बनाने जा रहे हैं, खेल विश्वविद्यालय क्यों बना रहे हैं वो अपने यहाँ, वो इसलिए बना रहे हैं बिकॉज उनके यहाँ पे अगले साल नेशनल गेम्स होंगे, 2024 में क्या होंगे वहां पे नेशनल गेम्स, 2023 के नेशनल गेम्स कहां होंगे, गोवा में होंगे सर, 2022 के नेशनल गेम कहां होंगे, 2022 के नेशनल गेम्स ध्यान रखोगे वो होंगे 2022 वाले, उसमें मतलब हो गए वो तो भैया गुजरात के अंदर, वो तो गुजरात के अंदर हो गए पिछले साल। नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, सर कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2022 में, है ना, सबसे पहले 1930 में हुए थे, कनाडा के अंदर हुए थे ये गेम्स, कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे सर जी, है ना, हैमिल्टन में हुए। भारत 1934 में क्या हुआ, इसमें मिला था पहली बार खेलने गया था भारत इसमें 1934 में। उसके बाद सर जब 2022 में हुए ये, तो हम कितने पदक जीत के लाए, हम सर 61 लाए, 22, 16 और 23, यानी कि गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये बात ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा पदक किसने जीते थे इसमें, चार पदक, बताओ कौन है वो, चार पदक जिसमें से तीन गोल्ड जीते अकेले बंदे ने, वो कौन था, शरद कमल, ध्यान रखोगे शरद कमल थे, शरद कमल। इनको 2022 में क्या मिला है, आपको पता है इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कितने पदक अकेले बंदे ने जीते, चार, जिसमें से तीन गोल्ड थे, समझ गए। बोलते हैं मेखला चादर किस राज्य में एक पारंपरिक पोशाक है, क्या सर जी, मेखला चादर की बात कहता है ना, जरा बताओ क्या लगाओगे सर, मेखला और चादर, ठीक है ध्यान रखोगे मेखला चादर, है ना, अब जरा बताओ क्या लगाओगे सर, ये असम का पहनावा है, कहां का, असम का पहनावा है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, कहां की है ये, वहीं की सर, घो और किरा ये कहां की पोशाक है सर, ये भूटान की है, ध्यान रखोगे ये भूटान के लोग पहनते हैं घो और किरा, ऐसे ही कहां की मेखला चादर, ये असम की हो जाती है ना, ये चीज ध्यान रखोगे। और साड़ी और धोती ये कौन पहनते हैं, ये तो कई सारे राज्यों में पहनी जाती है, महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं, है ना, आ जाओ, जैसे कि उड़ीसा में, जैसे कि बंगाल में, है ना। उत्तर प्रदेश के किस जिले के प्रसिद्ध आदम चीनी चावल को जीआई टैग दे दिया गया, सर कहां, उत्तर प्रदेश के किस जिले के आदम चीनी चावल को जीआई टैग दे दिया, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे, चंदौली उत्तर प्रदेश से मिला है। अच्छा ये तो ठीक है, अगर आपसे यूपी का पूछा जाए सर, यूपी का एरिया चौथे नंबर पर आता है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान का है, और सेकंड नंबर पे एमपी का मिलेगा आपको, और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र का मिलेगा, और चौथे पे मिलेगा ये यूपी, और यूपी में जनसंख्या है सबसे ज्यादा, तो ये जनसंख्या के मामले में मिलेगा टॉप, है ना, ध्यान रखोगे टॉप। और पढ़ा लिखा कितना है, 67% है, साक्षर राज्य है, इतनी इसकी लिटरेसी है, ठीक है। यहाँ का सबसे पढ़ा लिखा है गौतम बुद्ध नगर, ये चीज आप ध्यान रखोगे, गौतम बुद्ध नगर इसका सबसे पढ़ा लिखा जिला है, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओगे, नेक्स्ट क्या लगाओगे, क्या कहते हो अमित, बहुत अच्छा, ये कहता है सर किस राज्य के प्रसिद्ध अलीगढ़ ताला को जीआई टैग, जरा बताओ क्या लगाओगे, कौन सी कैटेगरी में मिला है सर, हैंडीक्राफ्ट, ध्यान रखोगे हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में मिला है, कौन सी कैटेगरी में मिला है, हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में, आप कैटेगरी में ध्यान रखो, बस पढ़ने समझने के लिए इसको समझ लो। किस राज्य के प्रसिद्ध अलीगढ़ का ताला को जीआई टैग प्रदान किया गया है सर, उत्तर प्रदेश में ही तो पड़ता है अलीगढ़, भैया हमारे यहाँ ताले दो जगह के फेमस है, एक तो डिंडीगुल, ध्यान रखोगे डिंडीगुल कहां पर है, तमिलनाडु में है, और एक हमारा अलीगढ़ के ताले, ये दो जगह के ताले बहुत ज्यादा फेमस है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग, आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या लगाओगे भाई। बोलता है सर बांदा का शजर पत्थर शिल्प को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प है, मतलब बांदा कहां पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर,
शजर पत्थर है वहां का। अब देखो ये कैसे भाई उत्तर प्रदेश के अंदर, भाई उत्तर प्रदेश के बांदा में केन नदी बह रही होती है, तो उस केन नदी में से पत्थर निकाले जाते हैं, पत्थर निकालते हैं उनको घिसते हैं, वहां पर घिसते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप की आकृति देखने को मिलती है, डिजाइन देखने को मिलता है, कभी मोर के पंख जैसा डिजाइन या फिर कुछ और या फिर कुछ और, फिर उसको बेचते हैं महंगे दामों पे, बेचा जाता है वो, ठीक है, लेकिन मेहनत का काम ज्यादा है वो। आज से 400 साल पहले ही वहां ये काम स्टार्ट हो गया था, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। सर कोई एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, हमें दिमाग में ये रखना है कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं कुल मिला के। अगर पेपर बोले कि हमें तो जी संस्कृत मंत्रालय के हिसाब से बताओ तो 9 शास्त्रीय नृत्य बता देना, छऊ को भी काउंट कर लेना फिर, लेकिन उसके अलावा किसी और को काउंट मत करना। जैसे भांगड़ा जो है एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है पंजाब से, भांगड़ा पंजाब के अंदर होता है, ये चीज ध्यान रखना। पंजाब गिद्दा ये भी पंजाब के अंदर ही होता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पर, लेकिन और नहीं है। हाल ही में यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन बन गया, है ना भाई, जिसकी करेंसी यूरो हो गई, जिसकी करेंसी क्या हो गई, यूरो हो गई, वो कौन बन गया, क्रोएशिया। तो ऐसे कितने देश हो गए, ऐसे 20 देश हो गए यूरो जोन में शामिल होने वाले, क्रोएशिया, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्रोएशिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, भारत का पूर्वी तट, अब ये जरा देखना भारत का जो सर पूर्वी तट है वो कहां पर है, केम्बे की खाड़ी और केप कमोरिन के बीच में, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में, या महाराष्ट्र और केरल के बीच में, दीव और केरल के बीच में। ये मैंने ज्योग्राफी जब यूट्यूब पे कराई थी पूरी तो उसमें ये करवाया था, ऐप पर जब मैं पढ़ाता हूं तो भी ये मैंने बताया हुआ है, उसमें आप इजीली बता सकते हो कि सर यहां पर जो आपको ये देखेंगे, ये आपको घाट देखने को मिलेंगे, ये है पूर्वी घाट के पहाड़, ये है पश्चिमी घाट के पहाड़ जो बिल्कुल जुड़े पड़े हैं, ये हट हट के है थोड़ा थोड़ा, ये तो है पश्चिमी घाट, ठीक है ध्यान रखोगे, और ये है पूर्वी घाट। घाट के आगे, घाट के अगले वाला जो हिस्सा होता है, ध्यान रखोगे जो घाट के आगे का हिस्सा होता है ये वाला बिल्कुल किनारे वाला, ये है हमारा तट यानी कि कोस्ट, ध्यान रखोगे यानी कि कोस्ट, ये चीज आप ध्यान रखना, क्या है ये कोस्ट है, कोस्ट, ये चीज आप ध्यान रखना। ऐसे इस तरफ भी आगे मिलेगा एक कोस्ट मिलेगा, और फिर आगे इधर अरब सागर का पानी मिलेगा, और यहां पे आगे बंगाल की खाड़ी का पानी मिलेगा। अब क्वेश्चन को पढ़ के देखो कि वो क्या बोल रहा है, गलत कर रहे हो। कहता है भारत का पूर्वी तट कहां स्थित है, किनके बीच में है वो तट, ये जो तट है पतला सा, ये किसके बीच में है, सर पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के पानी के बीच में है, तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के पानी के बीच में है, बी वाले ठीक है, डी वाले तो तुक्का मार रहे हैं, गलत कर रहे हो। ऐसे ही आपसे पूछा जाए सर पश्चिमी घाट, ये जो पश्चिमी घाट के पर्वत है और ये अरब सागर, इनके बीच में क्या है, पश्चिमी तट, ये किनारा, समुद्र का किनारा, वही तो उसने पूछा है, तट पूछा है, किनारा पूछा है कि ये किसके बीच में है, है ना। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलते हैं सर निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पोड्डा पोडुंगा के रूप में मनाया जाता है। सर कौन सी मकर संक्रांति, है ना, जरा बताओ क्या लगाओगे, मकर संक्रांति की बात बोली इसने, मकर संक्रांति को हम किस नाम से, पोड्डा पोडुंगा के नाम से जानते हैं। सर पोंगल के नाम से मकर संक्रांति को तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये हमें पता है, ठीक है कि सर नीचे जो ये तमिलनाडु है वहां पर पोंगल के नाम से हम इसको जानते हैं। इस बार 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक मनाया गया था, 4 दिन मनाया जाता है ये, है ना। मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाई जाती है, तो सर ये पोड्डा पोडुंगा क्या है, कहां कहां मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, केरल नहीं है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ये तमिलनाडु हो गया और ये ऊपर आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है ये, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलते किस राज्य के प्रतापगढ़ आंवला को जीआई टैग मिला है। प्रतापगढ़ आंवला को क्या मिला है सर, जीआई टैग मिला है। आओ देखते हैं कि प्रतापगढ़ आंवला को जीआई टैग कहां से मिला है सर। ऑब्वियसली वो कहां से मिला है सर, वो मिला है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, वहां का आंवला बहुत अच्छा है, ठीक है, याद रखोगे। ये ऐसा बोलते हैं कि जब इस आंवले का अचार पड़ता है तो फलता नहीं है बहुत लंबे समय तक, ऐसा बोलते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। बोलता है किस राज्य के प्रसिद्ध हाथरस हींग को जीआई टैग दिया गया है। कौन सी हींग सर जी, हाथरस हींग। अब ये सर जी हाथरस जो हींग है ये कहां मिलती है, हाथरस रींग है ना, हींग, ध्यान रखोगे रींग नहीं हींग, ठीक है, तो ये कहां मिलती है, उत्तर प्रदेश के हाथरस में।
अलीगढ़ के बराबर में ही आपको मिल जाएगा हाथरस, है ना। तो हाथरस है पता है, यहाँ की जो हींग बनती है, जैसे कि मान के चलो भाई अफगानिस्तान से दूध आ रहा है, उज्बेकिस्तान से दूध आ रहा है, किर्गिस्तान से दूध आ रहा है, उससे बनाई जाती है। समझ गए आप लोग? तो आप क्या लगाओगे? सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगी, नेक्स्ट क्या लगाओगे भाई? उसने हमको दिया हुआ है नाम, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां है ये। बोला सर भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन निम्नलिखित में से किस वर्ग में खेलती है, किस कैटेगरी में खेलती है वो? जैसे बजरंग पूनिया भाई कुश्ती लड़ते हैं 65 किलो वेट कैटेगरी में, हमको पता है। ऐसे आप ध्यान रखोगे भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन निम्नलिखित में से किस वर्ग में खेलती है, 69 किलो वर्ग में खेलती है, ध्यान रखोगे 69 में। कहां से आती है ये? असम के गोलाघाट से आती है, असम के गोलाघाट। और जब 2020 वाला ओलंपिक हुआ था टोक्यो में 2021 के अंदर, एक साल डिले हुआ था वो, तो इन्होंने क्या जीता था उसमें? ब्रॉन्ज जीता था, ब्रॉन्ज। ये भी बात आप ध्यान रखोगे, पकड़े मत जाना। आय क्या बात है, 69, शाबाश। ऐसे होती है ना, जब सबसे पहली बार ये क्वेश्चन आया तो तुमने गलत किया था, याद है, और फिर ये दोबारा आया तो आधे ने गलत किया, लेकिन इस बार सारे बच्चों ने सही किया है। ये हुई ना बात, रिवाइज रिविजन से ही जीएस बेस्ट होती है, हर चीज रिविजन से ही होती है। जनवरी 2020 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? सर उस टाइम पे थे सौरभ गांगुली, याद रखोगे, अभी हट चुके हैं, अब रोजर बिनी आ गए हैं। रोजर बिनी 2022 के अंदर आ चुके हैं, याद रखोगे 2022 में रोजर बिनी आ गए हैं। और रोजर बिनी जो बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष है, पहले एंग्लो इंडियन है, पहले एंग्लो इंडियन, मतलब ऐसे अंग्रेज जो भारतीय हो चुके हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा पता है ज्यादातर एंग्लो इंडियन कौन है हमारे यहाँ? जो है रेलवे का काम करने आए थे अंग्रेज और यहीं आके बस गए, तो ये चीज ध्यान रखना, वो ज्यादातर एंग्लो इंडियन है। ऐसे अंग्रेज जो आज ज्यादातर हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन जो मिलेंगे वही वाले मिलेंगे अंग्रेज। बोलते किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हो आप? सर जड़त्व का नियम हम किसको बोलेंगे? सर वो है न्यूटन की गति का पहला, दूसरा, या फिर आर्कवडी सिद्धांत, या फिर केपलर का नियम। सर हम न्यूटन की गति के पहले नियम को बोलेंगे जड़त्व का नियम, यानी कि कोई चीज अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक हम उस पर बल ना लगाएंगे, है ना, ध्यान रखोगे। अगर कोई चीज ध्यान रखोगे गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान में रहेगी जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं। ये क्या बोलता है? जड़त्व का नियम बोलता है पहला, ध्यान रखोगे, यानी कि न्यूटन की गति का नियम पहला। अच्छा इसी को जड़त्व का नियम कह देते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये जो तीसरा नियम है न्यूटन की गति का, वो क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ध्यान रखेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उसको बोलते हैं जो तीसरा वाला है। नेक्स्ट आ जाइए, बोलते हैं तमिलनाडु के किस जिले को, इधर तमिलनाडु के किस जिले, फिर ये के क्यों लगा रखा है यार, मे लगाओ सर, मे लिखो मे। तमिलनाडु के किस जिले में मार्तंड शहर को जीआई टैग प्रदान किया गया? ताल खराब कर रहा था ये बोलने में, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे? चेन्नई, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी या फिर कांचीपुरम? कौन सा शहर? ये कहता है हमसे मार्तंडम शहर, मार्तंडम शहर, ठीक है, बड़ा गाढ़ा शहर है भैया वहां का, थोड़ा काला काला दिखता है, ठीक है, ध्यान रखोगे मार्तंडम। ये कहता है सर कहां से आता है? कन्याकुमारी के अंदर से, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखोगे कन्याकुमारी के अंदर ये मिलता है वहां पर शहर। कन्याकुमारी कहां मिलेगा? यहां पर कन्याकुमारी यहां है तमिलनाडु के अंदर। बोलता है किस केंद्र शासित प्रदेश, किस केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी चिकनी लकड़ी शिल्प को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। सर राजौरी कहां है? आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, तो बस उसी को मिला है जीआई टैग, याद रखोगे। राजौरी चिकनी लकड़ी, ये ना बिल्कुल थोड़ी थोड़ी काले टाइप की लकड़ी होती है और इससे हम आकृतियां बना लेते हैं, जैसे कि भगवान जी की आकृति बना ली, है ना, या फिर कुछ खिलौने बना लिए इससे, तो इसमें ये यूज होती है, काफी लंबे टाइम तक ये चलती है। नेक्स्ट आ जाओ, 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं खेला गया? सर आपको पता है यहां पर, है ना, अमेरिका इसमें टॉप पर रहा था, है ना, अमेरिका टॉप पर रहा था, जापान के अंदर ये हुए थे, जापान के अंदर ये हुए थे, टोक्यो के अंदर ये हुए थे सर जी, तो इसमें कौन सा गेम नहीं खेला गया था? शूटिंग, सर्फिंग, या फिर आप लगाओगे तैराकी, या फिर क्रिकेट? क्रिकेट कभी नहीं, ठीक है, क्रिकेट को आप क्लियरली हटा दोगे, वो नहीं खेला गया इसमें, ये चीज ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सक एम्बुलेंस की शुरुआत की? कैसी सर? पशु चिकित्सक को ध्यान रखोगे, पशु चिकित्सा से जुड़े हुए चिकित्सक नहीं,
उसकी चिकित्सा से जुड़े हुए। जैसे मान के चलो भाई पशुओं को कोई बीमारी हुई है तो उन्होंने 165 एम्बुलेंस वहां पे चालू की है कि भाई उनको उठाएंगी वो एम्बुलेंस और वहां लेकर जाएंगी और उनके इलाज करेंगे अस्पताल में लेके, पशु अस्पताल के अंदर। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है सर जी? वो है YS जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तटरेखा दूसरे नंबर पर सबसे लंबी है, ये ध्यान रखना। शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज के किस, बताओ किस वर्ष में पराजित किया था? भाई सर ये शेर खान कौन सा है, है ना, ये कौन सा शेर शाह? ध्यान रखोगे शेर शाह सूरी है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, शेर शाह सूरी की बात कह रहा है। शेर शाह सूरी आपको पता है भाई 1472 में उसका जन्म हुआ था नारनौल में, नारनौल हरियाणा के अंदर पड़ता है। और ये जब 68 साल का हो गया था तो ये 1540 में गद्दी पर बैठा था, आगरा और दिल्ली इसके कब्जे में आ गया था, हुमायूं को इसने भगा दिया था। तो सर ये जो कन्नौज का युद्ध है ये कब हुआ? 1540 में हुआ था, हुमायूं को हराया था इसने, हुमायूं को। इससे पहले चौसा के युद्ध में भी हुमायूं को हरा चुका था 1539 में ये। ठीक है, ध्यान रखोगे ये बात आपको सारी हुमायूं नामा में मिल जाएगी जो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, हुमायूं की बहन ने। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो आप क्या लगाओगे इसमें से 40 इज द राइट आंसर। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया कन्नौज के युद्ध में। ठीक है, ध्यान रखोगे, देख रहे हो एसएससी क्या करता है, शेर खान लिख रखा है उसको, जबकि शेर शाह सूरी है वो अफगानी था। ठीक है, ध्यान रखोगे वो एक अफगानी था, एसएससी ऐसी तो करता है। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं यार ये कौन सा शेर खान आ गया जो हुमायूं को हरा चला गया। हर साल यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस की बात कहता है सर, ये जो यूनिसेफ है ना इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 को हुई थी, 11 दिसंबर को हुई थी। न्यूयॉर्क के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है सर जी? वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें 1944 में बना था सर जी, और वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या हेडक्वार्टर है ना, ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो आप क्या बताओगे 11 दिसंबर को हम मनाते हैं क्या? हर साल यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखना ये जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बने? अजय पाल सिंह बंगा, हमारे भारतीय मूल के है वो। नेक्स्ट आ जाओ, बोलते हैं असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है सर जी, जो तीन तीन बार मनाया जाता है? असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा होगा? ठीक है, विवो, क्या बात है भैया विवो, धुआं उठा रहे हो। ठीक है, आ जाओ इधर, ये कहता है अमित राज, बहुत अच्छा। असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा लगता है सर? असम में सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखोगे ये कौन सा मनाया जाता है? बिहू। बिहू ये तीन बार मनाया जाता है, ध्यान रखोगे कितनी बार? तीन बार मनाया जाता है। बिहू डांस भी है, बिहू फेस्टिवल भी है। ठीक है, ध्यान रखो। अच्छा सर अगर आपसे पूछे बागरुम्बा, बागरुम्बा, बागरुम्बा उत्सव ये भी यहीं पर मनाया जाता है, बागरुम्बा उत्सव असम के अंदर। अंबुबाची मेला भी असम के अंदर लगता है, अंबुबाची मेला असम के गुवाहाटी में लगता है ना, कामाख्या मंदिर याद रखोगे वहीं पर लगता है। बोलता है सर निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? जरा बताओ क्या लगाओगे, कब की थी? जरा बताइए क्या लगाओगे एक राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनमें से किस वर्ष की थी? देखो अगर असली में देखो तो इसमें से कोई सा वर्ष नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि भाई 1934 में तो सर MN रॉय ने की थी, MN रॉय है ना, इन्होंने मांग की थी 1934 में, है ना, ये चीज ध्यान रखोगे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो 1935 में करी थी, 1935 में इन्होंने संविधान, ध्यान रखोगे संविधान सभा की मांग की थी 1935 में कांग्रेस में जाके। तो आप इसको ठीक करना, ठीक है, आप बिल्कुल इसको ठीक करोगे कि सर निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की? 1935 में की थी कांग्रेस ने मांग, और MN रॉय ने 1934 में मांग करी थी। दोनों को अलग अलग करना, ठीक है, गलत ना करना। एक तो करा 1928, नहीं भैया इतना पीछे नहीं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ये कहते हैं सर द सेवन सिंस, ध्यान रखोगे द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, जरा बताओ क्या लगाओगे? द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर पुस्तक किसकी लगती है आपको? ये है सर आयुष्मान खुराना, जानते हो, उनकी वाइफ की है, ताहिरा कश्यप खुराना की। ओके, ताहिरा कश्यप खुराना की ये हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, समझ के आप लोग, ऐसे आप ध्यान रखोगे। सौरभ तिवारी, हाँ भैया बिल्कुल सही, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोलता है मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC की मानद आजीवन सदस्यता अप्रैल 2023 में किन भारतीय खिलाड़ियों को मिल गई है? हमारे यहां से 5 खिलाड़ियों को मिली है, ध्यान रखोगे 5 खिलाड़ियों को ये सदस्यता मिली है। किसकी? ध्यान रखोगे
है ना, ध्यान रखोगे गरीब लेबोर्न क्रिकेट क्लब, ये ध्यान रखना क्लियर है। इसकी सदस्यता किन किन खिलाड़ियों को मिली, धोनी, युवराज, मिताली राज, सुरेश रैना, झूलन गोस्वामी, ये सारे ही है, ध्यान से देखना ये पांच है, धोनी, युवराज है, मिताली राज, सुरेश रैना और झूलन गोस्वामी, ठीक है क्लियर है। तीन मेल क्रिकेटर है और दो फीमेल है, इन पांच को मिली है ठीक है, इनकी मानद आजीवन सदस्यता मिल गई है, ये बात ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या लगाओगे, बोल कहता है कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भारत जीते गए स्वर्ण पदकों की कुल संख्या क्या है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। अब कौन बच्चा लगाएगा, जरा बताओ क्या लगाओगे, कितने गोल्ड मेडल हमने वहां पे जीते थे, किसमें सर जी, है ना, किसमें सर, 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम था, कॉमनवेल्थ गेम था वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, कहां हुआ था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ठीक है। जब ये वहां हो गया गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो सर इसमें ध्यान रखोगे भारत अगर आपसे पूछा जाए कितने वे नंबर पर आया था, भारत थर्ड नंबर पर आया था, कितने पदक थे उसके, 26, ध्यान रखोगे 26, 26 और 20, यानी कि हमारे 66 पदक थे, 66, और हमने गोल्ड कितने जीते थे, 26 जीते थे, ओके कितने जीते थे, 26 जीते थे, 26 वाले बहुत अच्छा पकड़ गए बात को। नेक्स्ट आ रहे हो, बोलते हैं नरेंद्र मोदी, ए ध्यान रखोगे नरेंद्र मोदी ए पब्लिकल बायोग्राफी, ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, जरा बताओ क्या लगाओगे, ये किसकी है, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये आपको किसकी लगती है, मोदी जी की पुस्तक तो आपको याद होंगी, ज्योति पुंज के बारे में, सोशल हार्मनी के बारे में, लेटर टू मदर्स के बारे में, ठीक है ये तीन याद रख लेना आप, और ये जो ये लिखी है किसने लिखी है, वो एंडी मैरिनो ने लिखी है, बी इज द राइट आंसर, एंडी मैरिनो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, बोला विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, कौन सा सर जी, विश्व स्वास्थ्य दिवस जिस दिन WHO की स्थापना हुई थी, है ना, जिस दिन WHO की स्थापना हुई थी, यानी कि 7 अप्रैल 1948, है ना, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा में क्या मिलेगा सर जी, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। बोला सर किस इमारत को व्हाइट मार्बल मुगल आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है, जरा बताओ क्या लगाओगे, बोला सर किसको, हम देखो भाई कुतुब मीनार तो मुगलों के टाइम का है ही नहीं, सीधी बात है वो तो है ही नहीं, आगरा का किला हाँ ये, लेकिन व्हाइट ना, ये तो लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, बुलंद दरवाजा लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, पचा कौन सा, ताजमहल यही तो बना हुआ है, ध्यान रखोगे है ना, यही तो बना हुआ है संगमरमर का, ये चीज आप ध्यान रखो, और ये किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, किसकी याद में, मुमताज की याद में, ये मुमताज की याद में बनवाया गया था, ये चीज आप ध्यान रखो, ये कहां है, ये सर हमें मिलेगा आगरा के अंदर ठीक है, ध्यान रखोगे आगरा के अंदर, किस नदी के किनारे, यमुना। बोलते शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है, जरा बताना है ना, शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है, कौन बच्चा लगाएगा इसको, वेरी गुड, मुकुट, काय का मुकुट भाई, इधर कौन सा मुकुट, इधर ये कहता है सर जी, ये बोला इधर कि शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है, सर हाइपोथैलेमस करता है, ध्यान रखोगे कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, एक छोटा सा मटर के दाने के बराबर, ये चीज ध्यान रखना, क्लियर है हमारे दिमाग में। बोलता है पंजाब घराने का प्रसिद्ध तबला वादक कौन था, सर अगर तुम्हें याद हो है ना, पंजाब घराने का प्रसिद्ध तबला वादक कौन था, जिन्हें 1977 में पद्मश्री मिला था, 1977 में पद्मश्री मिला था, फिर इनको जाके आगे साहित्य, ध्यान रखो सॉरी साहित्य का क्यों मिलेगा, इनको संगीत का मिलेगा, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था, याद रखोगे अकेडमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला इनको, पद्मश्री भी मिला 1977 में, नाम है अल्लाह रखा खां, पटियाला घराने से थे, ध्यान रखोगे पटियाला घराने से थे, ये चीज आप ध्यान रखना पटियाला घराने से। अच्छा पता है आपको जाकिर हुसैन इन्हीं के बेटे थे, वो भी तबला बजाते थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे जाकिर हुसैन इनके बड़े बेटे थे, ये भी चीज आप ध्यान रखना ठीक है, क्लियर है, वो भी तबला बजाते थे, तो समझ गए ना ये। अच्छा चलो अगर आपसे पूछे पटियाला वंश के, मैंने उस दिन तुमको संस्थापक बताया था, पटियाला वंश जरा बताओ किसने करी थी, पटियाला वंश की नींव किसने डाली थी। आरबीआई का सर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है सर जी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहां है, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर हो जाएगा, 1934 के एक्ट से बना था, ये अधिनियम से बनता है, और 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो जाती है,
इसकी स्थापना कब हो जाती है सर? 1935 को 1 अप्रैल को हो जाती है। क्लियर हो जाएगा, समझ गया आप लोग, है ना। और सर अभी 25वें गवर्नर कौन है इसके? शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास। ऐसे आप ध्यान रखोगे, नेक्स्ट आ जाओ भाई, है ना। अभी तक नहीं बताया ना, खा गए उसे, चबा गए उसे, तो अजी काम की बात को, ठीक है काम की बात तो खा जाएंगे, खा गए उसको, खा गए, वोट गाट के साफ कर दिया। क्या तो इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किस राज्य में किया? सर ऐसा है, ये किया कहां पर? असम के अंदर। गज उत्सव ध्यान रखोगे अप्रैल में जाके मनाया, हाथियों का उत्सव था, ये चीज ध्यान रखोगे। असम के अंदर किसने मनाया? द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, असम के अंदर जाकर मनाया। कहता है भारत में विजय दिवस हाल ही में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया? कौन सा दिवस था, है ना? आला सिंह है, आला सिंह पटियाला वंश के, समझ गए? ओके, आला सिंह, आला याद रखोगे, आला सिंह पटियाला वंश के संस्थापक। बोलते हैं सर भारत में विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सर ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को, वो 16 दिसंबर, सॉरी याद रखोगे 16 दिसंबर। क्या हुआ था सर जी ऐसा? इसमें देखो बात ऐसी थी कि जब पाकिस्तान ने अपने ही ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उस पर हमला कर दिया था, अब उसकी हेल्प करने हमारी सेना भी कूद पड़ी उसमें, और हमने 16 दिसंबर को पाकिस्तानियों को सरेंडर करवा दिया था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। तो भारत में विजय दिवस 16 दिसंबर को भी हम मनाते हैं। करगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? वो 26 जुलाई को मनाते हैं। कहता है सर बोला हाल ही में भूपेंद्र भाई पटेल ने निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? जरा बताओ क्या लगाओगे? सर वो गुजरात इज द राइट आंसर। क्या हुआ? गुजरात के अंदर 182 विधानसभा सीट है और इन पर चुनाव हुए थे पिछले साल 2022 में। इसमें से 156 सीट बीजेपी निकाल गई और बीजेपी के वहां पर सीएम बन जाते हैं कौन? ध्यान रखोगे भूपेंद्र भाई पटेल इज द राइट आंसर। 26 वहां पर लोकसभा की सीट है ना, ध्यान रखोगे 26 लोकसभा की है वहां पर, 11 राज्यसभा की सीट है, गिर नेशनल पार्क भी वहीं पर है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोला महाशिवरात्रि हिंदू महीने में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में मनाई जाती है। हमको बताया जी, ठीक है, मनाई जाती है। अब ये आपको कौन से महीने में मनाई जाती है? ये कार्तिक महीने में, चैत्र, फागुन या फिर वैशाख? जरा सोचो, फरवरी और मार्च के बीच का कौन सा है? चैत्र नहीं है, ठीक है ध्यान रखना, चैत्र आगे है, ठीक है ध्यान रखोगे। फागुन बोला जाता है फरवरी और मार्च का जो बीच है, फरवरी और मार्च के बीच को आप क्या बोलोगे? फागुन बोलोगे। ये चीज आप ध्यान रखना, फागुन में ही मनाई जाती है महाशिवरात्रि। ऐसा बोलते हैं कि शिवजी और पार्वती की उस टाइम पर शादी हो रही होती है। ओके आ जाइए नेक्स्ट पर, गलत मत कर देना। बोलता है नासा के ह्यूमन मून मिशन के लिए चयनित है ना, ध्यान रखोगे नासा के ह्यूमन मून मिशन के लिए चयनित पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताओ। देखो वो क्या कर रहा है, आर्टेमिस नाम से उनके जो है मिशन है, मिशन अमेरिका वालों के, एक आर्टेमिस मिशन उसने 2022 में भेज दिया, एक अब वो आर्टेमिस सेकंड भेजने वाला है मून के पे, मून पे लैंड नहीं कराएगा, बस मून के ऊपर ऊपर साइड में घुमाता रहेगा। तो उसमें 4 लोग टोटल जाएंगे, उसमें एक फीमेल भी होंगी है ना, ध्यान रखोगे, और उनका नाम है क्रिस्टलिना कोच, जो फीमेल जाएंगी। ए इज द राइट आंसर। किसने जाएंगी? आर्टेमिस सेकंड उनके मिशन का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे सर आर्टेमिस किसके है? नासा के मिशन है, ये चीज ध्यान रखना। आर्टेमिस फर्स्ट उन्होंने पिछले साल भेज दिया, अब आर्टेमिस सेकंड भेजने की तैयारी है, उनकी 4 लोग टोटल जाएंगे इसमें, लेकिन चांद पर लैंड नहीं करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या लगाओगे जी? बोला पुरुषों के फुल मेंबर T20 इंटरनेशनल मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला का नाम बता दीजिए। वृंदा राठी है, फिर जन्नी नारायण है, या फिर आप लगाओगे क्लियर है, या फिर किम कॉटन इज द राइट आंसर। ये किम कॉटन हो जाती हैं, जिन्होंने फुल मेंबर T20 इंटरनेशनल मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला बन गई है ये। नेक्स्ट आ जाओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितनेवें नंबर का स्थान है? सर अगर हम देखें सबसे बड़ा है रूस, कौन सा है? रूस नंबर 1 पे है, ठीक है रूस। उसके बाद हम देखें सर कौन सा बड़ा आएगा, फिर आएगा कनाडा, ध्यान रखना, फिर आएगा कनाडा, फिर कौन सा आएगा सर? अमेरिका आएगा। अब यहां पे आप चाइना मत समझने लगना तीसरे पे, अमेरिका है क्योंकि अमेरिका ने अलास्का वाला एरिया ले लिया, तो अमेरिका आ जाता है तीसरे पर। फिर आता है चीन, फिर आता है आपका ब्राजील, है ना ध्यान रखोगे,
फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है आपका भारत, है ना। कितने नंबर पर आया हमारा? सातवें नंबर पर, है ना। एक दो तीन चार पांच छह सात, तो आप क्या लगाओगे? भारत सातवें नंबर पर है और भारत का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि ध्यान रखोगे कितना है, 2.4% दुनिया का। ठीक है, दुनिया का 2.4% हम है। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट 2.4 भी आ जाता है पेपर में। चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन, जरा बताओ क्या लगाओगे? चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो सर असम, मिजोरम, कर्नाटक या फिर बिहार? कौन सा सर खो खो चैंपियनशिप की बात कह रहा है? सर ये असम में हुई थी, असम में हुई थी, असम में हो गई। इसको पुरुषों की टीम भी जीत गई हमारी और इसको महिलाओं वाली टीम भी जीत गई हमारी। ध्यान रखना ये एशिया की थी, खो खो चैंपियनशिप थी। अच्छा खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं जरा बताना कमेंट में। बोलते हैं सर भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? भाई मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, पूरे मंत्रिपरिषद का। तो सर वो होता है आर्टिकल 74 के थ्रू। आप देखोगे प्रधानमंत्री का वर्णन भी हमको आर्टिकल इसी में देखने को मिलेगा। अगर आपसे कल को पूछे सर मंत्रिपरिषद और मुझे ये बताओ मंत्रिमंडल में अंतर क्या है, कल को आ जाए, तो आप क्या लिखोगे? सर देखो मंत्रिपरिषद जो था ये संविधान में था पहले से ही, संविधान के आर्टिकल आपको 74 व 75 में देखने को मिल जाएंगी इससे चीजें। ये बाद में जोड़ा गया है, ये बाद में जोड़ा गया है, ये बात ध्यान रखना। अगली बात, मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं? सर कैबिनेट मंत्री आते हैं इसमें, ध्यान रखोगे कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, ध्यान रखोगे, है ना, ध्यान रखोगे राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और ध्यान रखोगे उपमंत्री, ये आते हैं इसमें। और उसमें कौन आते हैं? ओनली ये वाले कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में आते हैं, ओनली ये वाले कैबिनेट मंत्री किसमें आते हैं? ये मंत्रिमंडल में आते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना मंत्रिपरिषद का और उसका। नेक्स्ट आ जाओ, बोलते हैं गवर्नर ऑफ द ईयर। सर गवर्नर ऑफ द ईयर मिला हमारे शक्तिकांत दास को, जो हमारे 25वें आरबीआई के गवर्नर है उनको। और सर अगर आपसे पूछे कि सर जी बैंक, ध्यान रखोगे ये तो गवर्नर ऑफ द ईयर है ना, बैंक, ध्यान रखोगे बैंक ऑफ द ईयर, बैंक ऑफ द ईयर, तो ध्यान रखोगे यूक्रेन के बैंक को मिला है, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, 2022 में विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन था? 2022 में सर आइसलैंड था, 2023 में भी आइसलैंड है, ध्यान रखोगे 2023 में भी कौन सा है, वो आइसलैंड ही है सबसे शांतिपूर्वक देश। और सर 2023 में भारत की रैंकिंग है 126, भारत की रैंक कितनी हो जाएगी? 126 हो जाएगी। क्लियर है, समझ गए आप लोग? ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या लगाओ? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका संविधान से लिया गया है, जरा बताओ। सर हमने जो राष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया है? जो राष्ट्रपति का पद है अमेरिका से लिया है, लेकिन उसको चुनने का तरीका कहां से लिया है? वो हमने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से। ये चीज ध्यान रखोगे, आयरलैंड के आयरिश संविधान से लिया है, आयरिश संविधान से लिया है हमने उसको चुनने का तरीका। उसको हटाने की प्रक्रिया कहां से ली है? अमेरिका से ली है सर, अमेरिका से हटाने की प्रक्रिया, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, हटाने की प्रक्रिया। और राष्ट्रपति की स्थिति क्या होगी, है ना भाई? स्थिति तो नाम मात्र की होती है, ये ब्रिटेन से लिया है हमने, ब्रिटेन से, कि राष्ट्रपति की स्थिति क्या रहेगी, ये ब्रिटेन से लिया है। देख रहे हो राष्ट्रपति को ही कितनी सारी चीजों से, ठीक है, एक आदमी को बांधने के कितने तरीके हमने ढूंढे। आ जाओ, नामीबिया से लाए गए चीतों को कुनो नेशनल पार्क में रखा गया, वो सर कहां है? वो सर जी श्योपुर में है, है ना, श्योपुर मध्य प्रदेश के अंदर है, श्योपुर मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, इसको हम क्या कह देते हैं? इसको सोया प्रदेश कह देते हैं, सोया प्रदेश, या फिर हम इसको नदियों का मायका कह देते हैं, नदियों का मायका। इसकी सबसे लंबी नदी है नर्मदा, इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा हो जाएगी, नर्मदा। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या लगाओगे? निम्नलिखित में से किसे पय्योली एक्सप्रेस कहते हैं, है ना, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना, क्या लगाओगे? क्या होगा? बहुत अच्छा पंडित, शाबाश भैया। इधर देखो, कहते हैं पय्योली एक्सप्रेस कौन भाई, 1979 से ही दौड़ रही है, कौन है?
ये हो जाएंगी पीटी उषा, पयोली एक्सप्रेस, है ना, 1979 से ही दौड़ रही है। और अगर हम बात करें आती कहां से, केरल से आती है, और अभी क्या है, इंडियन ओलंपिक ध्यान रखोगे कमेटी की अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये, ठीक है, समझ गए आप लोग, पहली महिला अध्यक्ष बनी है किसकी, इंडियन ओलंपिक कमेटी की। नेक्स्ट आ जाइए, बोलता है क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, इंटरनेशनल में नहीं, क्लब फुटबॉल में, किसमें सर जी, क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं सर जी, वो कौन बने हैं भाई, वो बने हैं मेसी या फिर क्रिस्टीना क्रिस्टियानो रोनाल्डो, या फिर आप लगाओगे नेमार, या फिर एर्लिंग हालंड, तो रोनाल्डो ही है, रोनाल्डो तो पहले बने हैं और मेसी दूसरे बने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अभी मेसी की टीम फाइनल जीत गई थी आपको पता है, लेकिन किस चीज का, फीफा विश्व कप का, अर्जेंटीना जीती थी आपको पता है 2022 में जो कतर के अंदर हुआ था, है ना, ये आपको पता है। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है निम्नलिखित में से किस ने मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को, एयरपोर्ट जो गोवा में दूसरा एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया, भाई मोदी जी ने किया था वहां पे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो है मोपा एयरपोर्ट, उसको क्या बोला जाता है, मोपा, मोपा एयरपोर्ट, लेकिन उसका नाम किसके नाम पर कर दिया, मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर कर दिया इसका नाम, ध्यान रखोगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जो गोवा का दूसरा एयरपोर्ट है, ठीक है, समझ गए आप लोग, ऐसे आप ध्यान रखना। ग्रीनफील्ड कौन से एयरपोर्ट होते हैं, जब किसी बड़े एयरपोर्ट में वहां पर और चौड़ाने की या फिर उसको डेवलप करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, जो साइड में उसके बनाए जाते हैं थोड़ी दूर पर छोटे एयरपोर्ट, उनको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बोलता है। नेक्स्ट आ रहा हूं, बोलते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल आपको कहां मिलेंगे, जरा बताओ ये जो चोल टेम्पल्स हैं ये आपको कहां मिलेंगे। सर चोलों का राज, भाई राज तो खैर बहुत दूर तक था, लेकिन उनका गढ़ इस इलाके में था, जो गढ़ था वो इसी इलाके में था, तमिलनाडु वाले में, जहां पर आज आप तमिलनाडु देखते हो, भाई सीमाएं पहले तो बहुत बहुत दूर तक थी उनकी, इंडोनेशिया तक वो जीत के आ गए थे, है ना, तो आप क्या लगाओगे सर, ये होता है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल, कहां पर स्थित है वो, तमिलनाडु में स्थित है, ये चीज ध्यान रखना। और चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, जरा बताओ, तंजावुर इज द राइट आंसर, तंजावुर। कहता है सर गोफ नृत्य किस राज्य का फेमस है, देखनी कहां पर होता है ये डांस, कौन सा, देखनी डांस, ये देखनी जो डांस है ये कहां होता है, गोवा में होता है सर, ऑब्वियसली, है ना, तो गोफ भी वहीं का ही है, ठीक है, बागा बीच वहीं पे पड़ता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, कोलिनकोटे बीच वो भी वहीं पर पड़ता है, अगुआड़ा बीच वो भी वहीं पे पड़ता है, ठीक है, याद रखोगे 19 दिसंबर 1961 को हमने ये ले लिया था पुर्तगालियों से, क्या हमारा है भाई, दो हमको वापस, जाओ इधर से तुम। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है इसमें से सर, 12 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, या फिर विश्व ब्रेल दिवस, या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस, या फिर भारतीय सेना दिवस, सर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को क्या हुआ था सर, जन्म हुआ था किसका, वो जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का, है ना, स्वामी विवेकानंद जी का हुआ था, ये चीज आप ध्यान रखना, उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को, उसी दिन हम क्या मनाते हैं राष्ट्रीय। अच्छा सर विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं, है ना, या फिर अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हम कब मनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, 12 अगस्त को मनाते हैं और ये 12 जनवरी है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट, भारत और किस पड़ोसी देश ने मार्च 2023 में डीजल पाइपलाइन शुरू किया, डीजल की पाइपलाइन शुरू कर दी, भारत और किस पड़ोसी देश ने करी है ये, तो आप क्या लगाओगे, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, तो किस देश ने करी है सर, ऐसा है 18 मार्च की बात थी, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में हमारे, है ना, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में शुरू हुई है, 130 किलोमीटर की पाइपलाइन थी, 377 करोड़ में शुरू हुई है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, डीजल पाइपलाइन, हम उसको डीजल सप्लाई करेंगे, तो आप क्या लगाओगे, बी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, इधर देखो, बोलते सर सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2022 के विजेता की बात बताओ, सर ये कौन बने हैं, सरस्वती सम्मान सर 1991 से दिया जा रहा है ना, के बिरला फाउंडेशन देता है, के बिरला फाउंडेशन यही तो देता है ना, और 1991 से दिया जा रहा है ना, ध्यान रखोगे हरिवंश राय बच्चन, ये चीज आप ध्यान रखोगे, हरिवंश राय बच्चन है ना, इनको सबसे पहले दिया गया था ये, राइट, और अभी किसको दिया है,
शिव शंकरी को दिया है सरस्वती सम्मान। ध्यान रखोगे 2022 में शिव शंकरी किसके लिए, किसके लिए दिया जा रहा बताओ कमेंट में। और सर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शुरू हुआ था, समझ गए आप लोग, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये चीज आप ध्यान रखना, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पर, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। कहता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश जहां बहुत खुशी है, दांत ही फाड़ते रहते 24 घंटे, तो क्या लगाओगे, वो है फिनलैंड। सी इज द राइट आंसर, समझ गए आप लोग, फिनलैंड इज द राइट आंसर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, देखो असली वजह है पॉपुलेशन कम रहना। अगर हमारी कंट्री के अंदर मुश्किल से तुम बस 40 करोड़ लोग रखो, 40 करोड़ सबके पास जमीन अच्छी खासी रहेगी, उस पर पैदाइश बढ़िया करेंगे मशीनरी के थ्रू, है ना। अब ठूसम ठूस मचा रखी है तो भैया कहां से कोई खुश रह जाएगा। एक घर में मान के चलो एक फादर के 4-5 बच्चे हैं, वो बेचारा फादर तो कमाता कमाता ही चला जाएगा। सोचने वाली बात है कि 4-5 को कैसे, एक खुद का खर्चा, बीवी का खर्चा, फिर 4-5 अगर मम्मी पापा है तो उनको भी कुछ करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो सोचने वाली बात है। पॉपुलेशन अगर कंट्रोल है सब चीज दिन सीधे है, फिर ये ध्यान रखना क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाता है फिनलैंड इज द राइट आंसर। खुशहाली में हम कितने में नंबर पर आते हैं, 126 पर है। यहाँ भी हमारी बदसूरती देखने को मिली है हमें यहाँ पे भी। आ जाओ क्या लगाओगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के हिसाब से हम खुशहाल में कितने, 126 पर है। डी इज द राइट आंसर, ओके कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना, जरा बताओ क्या लगाओगे। इब्राहिम लोदी के बारे में बोला सर उसने, लोदी वंश कब शुरू हुआ था सर, लोदी वंश 1451 में शुरू हुआ था, बहलोल लोदी ने नींव रखी थी, किसने रखी थी, बहलोल, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और 1451 से लेकर 1489 तक वो रहा, 1489 से लेकर 1517 तक ये रहा, फिर सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी है ना, उसके बाद सर 1517 से लेकर 1526 तक कौन बन गया, यही बन गया, ठीक है ध्यान रखोगे 1517। देखो कौन सा देता है, सही देते हो, शाबाश, ये हुई ना, रोहन, वीटी, सौरभ, बहुत अच्छा आंसर है, अंकित गुप्ता, शाबाश, बहुत बहुत अच्छा, कपिल, वेरी गुड, 1517 देखो एग्जैक्टली तुम्हें याद है, कितनी अच्छी बात है ये, क्योंकि वरना तारीखें याद करते करते बच्चे परेशान हो जाते हैं, है ना, तो अब नॉर्मल है, यानी कि याद है तुम्हें भाई। इब्राहिम लोदी आपको पता है, ये बाबर ने आके मारा था इसको 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में, और पूरा पूरी सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का जो 1206 से चालू हुई थी, उनसे अब तक कोई मरा नहीं था युद्ध में, ये मर गया आके, ठीक है ये चीज ध्यान रखोगे। कहता है टाटा ग्रुप के टीसीएस का प्रभारी सीईओ, जरा बताइए क्या लगाओगे, किसे नियुक्त किया गया सर, टाटा ग्रुप के टीसीएस का प्रभारी किसे नियुक्त किया गया, वो सर कीर्तिवासन को किया, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाना, ठीक है। बोलता है टाटा ग्रुप के टीसीएस का प्रभारी सीईओ किसको बनाया, कीर्तिवासन को बनाया। नेक्स्ट आ जाओ, हेमिस उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है, हेमिस उत्सव सर कहां पर मनाया जाएगा, क्या पौंडुचेरी में ना, या फिर उसके बाद चंडीगढ़, लद्दाख, कहीं और, तो यहाँ क्या लगाओगे एक राइट आंसर, वो मनाया जाता है लद्दाख, इज द राइट आंसर, लद्दाख के अंदर हेमिस उत्सव, यस। और सर सिंधु उत्सव ये भी वही मनाया जाता है, सिंधु उत्सव लद्दाख के अंदर ही मनाया जाता है सर। अच्छा सर हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क कहां है, ये भी लद्दाख के अंदर है। पेंगोंग झील कहां है, पेपर में आने लगे पेंगोंग झील सर, ये लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में है, लेकिन हम डायरेक्टली लद्दाख बोल देते हैं, है ना। सोमिरिरी झील कहां है, वो भी लद्दाख के अंदर है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई, देखो अभी उसने पूछा थोड़े देर पहले, है ना, कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है ना, और इस बार पूछा उसने कि उसकी स्थापना कब हुई है, सर 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, ये चीज आप ध्यान रखोगे, 1946 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्या लगाओगे जी, बोलो सर निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 33 है, किस तत्व की, सॉरी जरा बताओ क्या लगाओगे, किसकी लगेगी आपको इनमें से, किस एलिमेंट की है परमाणु 33, वो कौन है, आर्सेनिक इज द राइट आंसर, आर्सेनिक इज द राइट आंसर, इसी की है 33, है ना, ध्यान रखोगे इसी की हो जाएगी। लैंड कितने पे होता है, पीवी कितने पे होएगा, 82 पे होएगा, है ना, 82 पे होएगा। तो कुछ तुमने जो पहले लिख रखे होंगे, जो लिखे थे उनको जरूर ध्यान रखा करो। बिहार दिवस कब मनाया जाता है सर, कौन सा बिहार दिवस आप कब मनाओगे, है ना भाई, अगर आपसे पूछेगा सर बिहार दिवस कब मनाया जाएगा, सर बिहार 1912 में बंगाल से अलग हो गया था,
उस टाइम पर डेट कौन सी थी, उस टाइम पर डेट थी ध्यान रखोगे 22 मार्च, 22 मार्च को अलग हो गया, समझ गया आप लोग। तो बंगाल से जब ये अलग हुआ तो 22 मार्च को हुआ, लेकिन तब से नहीं बना रहे हम इसको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कभी आप सोचोगे तभी से बना रहे हैं 22 मार्च से, नो, ये तो डेट हमने लिया कि 22 मार्च है, ठीक है, समझ गया आप। 22 मार्च 1912 को बंगाल से हम अलग हो गए। बिहार की जो राजधानी पटना है वो दुनिया की सबसे पुरानी राजधानी बोली जाती है, और 1916 में वहां पर क्या बना था, पटना में हाई कोर्ट बना था, ध्यान रखोगे क्या बना था, हाई कोर्ट बना था, ऐसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया, जरा बताओ क्या लगाओगे, किस स्टेडियम का नामकरण किया गया, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया, सर वो रायबरेली हॉकी स्टेडियम उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, वहां पर किया गया, ठीक है, ध्यान रखोगे ये कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, रानी रामपाल, ये भी चीज, ये हमारी कैप्टन भी रह चुकी है हॉकी की, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट पर, बोलते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा जरा बताओ किसको लगाओगे, या फिर सांझ का तारा बोल देते हैं, किसको बोल देते हैं सर, वो बोल देते हैं शुक्र को, पृथ्वी की जुड़वा बहन, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये सन है और सन के बाद ये आता है, हमने देखा था सन के बाद आता है बुध, और बुध के बाद यही आएगा शुक्र, क्लियर है, समझ गए आप लोग, शुक्र, ऐसे ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, ऐसे आप ध्यान रखोगे ही रखोगे। अच्छा सर ये सूर्य के चक्कर कितने टाइम पे लगा लेता है, सर 225 दिन में लगा देता है सूर्य के चक्कर, 225 दिन में, अपनी एक्सिस पर कितने टाइम पे घूमता है, बहुत ढीला है ना, अपनी एक्सिस पर घूमता है ये 245 दिन में, समझ गए, 245 दिन में घूमता है, समझ गए, पृथ्वी के हिसाब से अपनी एक्सिस पर, तो सोचो पृथ्वी के हिसाब से 122 दिन की रात और 122 दिन की दिन इस पे होता होगा, सोचो कितना लंबा दिन, भैया दिन चल रहा है 3-4 महीने हो गए, दिन ही दिन चल रहा है, फिर रात चल रही है ना, कुंभकर्ण जैसा रहना पड़ता होगा उधर। क्या लगाओगे, किस पड़ोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया, सर पड़ोसी देश बहुत गद्दार निकला यार, इंडिया से भी लेता है, इंडिया से जो मन चाह वो ले लिया, फिर चाइना से भी ले लिया, ये है बांग्लादेश, ध्यान रखोगे, किस पड़ोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू कर दिया, वो बांग्लादेश है, ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट लगाओगे, किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में शामिल किया गया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में शामिल किया गया, किस भारतीय उद्योगपति को किया गया, तो क्या लगाओगे आप इसमें से, बोलता है रतन टाटा, यस रतन टाटा इज द राइट आंसर, इन्हीं को दिया गया, ये चीज ध्यान रखोगे, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में शामिल, ये एक बहुत ही सम्मान वाली लिस्ट मानी जाती है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहां पर कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और एंथनी एल्बनीज कौन है वहां के, वो प्रधानमंत्री हो जाते हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान लिखा हुआ है, वो किस देश ने लिखा है सर, भारत इज द राइट आंसर, ठीक है, भारत का लिखा हुआ है सबसे लंबा विस्तृत, है ना, जब संविधान बना था तो 395 आर्टिकल थे हमारे संविधान के अंदर, और आज 450 से ज्यादा आर्टिकल पहुंच चुके हैं हमारे संविधान के अंदर, उस टाइम पे 8 अनुसूची थी, आज जुड़ जुड़ के 12 पहुंच गई है, आज कितनी पहुंच गई है, 12 पहुंच गई है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से किस राज्य के तंदूर, तंदूर लाल चने, या फिर आप बोल दो तंदूर तूर दाल, तंदूर गांव है वहां का, ठीक है ध्यान रखोगे, या फिर आप तूर दाल बोल दीजिए या फिर लाल चने बोल दीजिए, है ना, इसको जीआई टैग मिल गया, ये है तेलंगाना, ये जो तंदूर गांव में है ना, ध्यान रखोगे ये जो तूर की दाल मिलती है तंदूर गांव में, यहां पे इस दाल में 24% तक प्रोटीन मिलता है, 24% प्रोटीन, आप जरा सोचो, ठीक है सोचो भैया सोचो, बहुत तेजी से सोचो। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक, जो इसका आंसर कौन बच्चा देना चाहेगा, है ना, पूरम बैनर्जी, या फिर आप लगाओगे इसमें से ध्यानचंद, या फिर आप लगाओगे लालचंद बुखारी, लाल शाह बुखारी, या फिर जफर इकबाल। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक, मतलब कोई था ऐसा पहला बंदा जिसने सबसे पहले झंडा लहराया उधर, तो कौन था सबसे पहले, ध्यान रखोगे ध्वजवाहक के तौर पर पूरम बैनर्जी, कब, 1920 में, समझ गए 1920 में, कहां हुए थे, बेल्जियम के अंदर, बेल्जियम के अंदर, और क्या दौड़ते थे, धावक थे 400 मीटर के, समझ गए आप लोग, 400 मीटर के धावक, ये चीज आप ध्यान रखना, देख रहे हो कितना पुराना क्वेश्चन उसने निकाला है वहां से। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है किस ब्लड ग्रुप को, तो क्या लगाओगे सर,
ओ प्लस है, ओ नेगेटिव है, या फिर ए बी प्लस है, या फिर ए प्लस है, जरा बताओ क्या लगाओगे? सर यूनिवर्सल डोनर जो देता है वो ध्यान रखोगे कौन सा, ओ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव देता है, कौन देता है? ओ नेगेटिव सबको देता है, ये डोनर है। लेकिन जो रिसीवर है, जो सबसे ले लेता है, वो ए बी प्लस है। ध्यान रखोगे ए बी पॉजिटिव, यानी कि हमारा हो गया सी इज द राइट आंसर। बोलते हैं सर निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है, कोई एक क्रिकेटर नहीं है, है ना, जरा बताओ कौन नहीं है सर जी? साइना नेहवाल नहीं है, सचिन तेंदुलकर नहीं है, या फिर जवाहर श्रीनाथ, या फिर भाई राहुल द्रविड़ दी वॉल के नाम से जाने जाते थे, सचिन तेंदुलकर को हम जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा अगर आपसे पूछे सर साइना नेहवाल ये क्या, ये तो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, और बैडमिंटन में 2012 में इन्होंने लंदन के अंदर कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था सर जी इन्होंने? कांस्य पदक जीता था, कांस्य, है ना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सर मानस किसकी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी? और सर जी मानस जो है गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र, किसकी सहायक है ये मानस? सर ये बोला हमसे कि ऐसा है तिब्बत में बह रही होती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र, और फिर घूम घाम के इंडिया की तरफ आके बांग्लादेश में चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अब मानस इसी में मिलती है, मानस इसकी सहायक नदी है, ठीक है सर जी। तीस्ता इसकी सहायक नदी है, ठीक है। सुबनसिरी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। धनसिरी इसकी सहायक नदी है, ठीक है, है ना। धनसिरी भी इसी की सहायक है, ओके। लोहित है वो इसी की सहायक है, लोहित, है ना। बूढ़ी दिविंग वो भी इसी की सहायक है, तो आप क्या लगाओगे? ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में तापो बोलते हैं इसको, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र असम में बोलते हैं, जमुना बांग्लादेश वाले बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या लगाओगे? झारखंड राज्य की सबसे बड़ी आबादी किसकी है, जरा बताना। झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी रहती है, जनजाति कौन सी है जो झारखंड में है सबसे बड़ी? ओराव, संथाल, मुंडा या फिर हो? सर संथाल लोग आपको ज्यादा दिखाई देंगे वहां पे, कौन? संथाल लोग आपको ज्यादा दिखाई देंगे, सबसे ज्यादा संथाल दिखाई देते हैं झारखंड के अंदर। हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है? सर ये तमिलनाडु के अंदर आयोजित किया जाता है, ध्यान रखोगे कार्तिकेय, क्लियर हो जाएगा कार्तिकेय, पेपर में कार्तिकेय के नाम से भी आ जाता है, आगे का नहीं लिखने का, वो ध्यान रखना। आ जाओ तमिलनाडु हो गया, भाई पोंगल भी वहीं पे मनाते हैं, और ओणम कहां मनाते हैं? सर वो मनाते हैं केरल में। नेक्स्ट आ जाइए, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले साइक्लोन मेंडोस का नाम किसके द्वारा दिया गया, जरा बताओ क्या है सर? ये है मेंडोस, यहां पर उठा बंगाल की खाड़ी में, और ये नाम किसके द्वारा? यूएई के द्वारा दिया गया था। ये 13 देश मिलकर आपस में देते हैं नाम, ध्यान रखोगे 13 देश मिलकर आपस में नाम देते हैं, तो ये यूएई है ना। आ जाओ नेक्स्ट पर। अच्छा एक बात बताओगे, जो बिपरजॉय था ये किसने दिया, और मोचा ये किसने दिया, दोनों का बताओ, है ना भाई। बिपरजॉय अरब सागर में आया और मोचा बंगाल की खाड़ी में आया था, आपको पता है, ठीक है, जरा बताओ क्या है, है ना। बोलता है सर निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहुला उत्सव अत्यंत लोकप्रिय है? सर ये बिहुला किस राज्य में मनाया जाता है, क्या ये मध्य प्रदेश का है, किस राज्य का है, है ना। ये हमने किया हुआ है, अगर तुम्हें याद है बताओ, ठीक है, होमवर्क पे, वरना इसे ढूंढ के बताना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है बिहुला, क्या ये बिहार के अंदर तो नहीं है, ठीक है, सोच के दो क्या लगाओगे। बोलता है निम्नलिखित में से हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सर मेडागास्कर हो जाएगा, ये कहां है? मेडागास्कर यहां पर है, और ये अफ्रीका महाद्वीप के साइड में मिलेगा, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। कहां का है? बिहुला, ठीक है, बिहार, पक्की बात है, सोच लेना, ठीक है। ये क्या कहता है? बोलता है विश्व जल दिवस, इसका थीम क्या है विश्व जल दिवस का? सर ये है, ध्यान रखोगे, एक्सेलरेटिंग चेंज। देखो इतना सा तो नहीं है, बहुत बड़ा थीम है, लेकिन ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, बस तुम यहां से याद रखना, एक्सेलरेटिंग चेंज इसका थीम है विश्व जल दिवस का। क्लियर है, समझ गए आप लोग? कहां का है बिहुला बताओ। एक बच्चा कहता है तब जी ये कौन है भाई, तब जी कौन है भाई, ठीक है, इधर देखो क्या लगाओगे। बोलता है बहुत अच्छा, जो बच्चा आंसर देता है बिपरजॉय और ये वाला, वेरी गुड, शाबाश। इधर देखो, बोलते हैं लोकसभा की अवधि जब तक भंग न हो जाए उसकी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से कितने काल? 5 साल तक चलता है लोकसभा का कार्यकाल, केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा 5-5 साल होती है, केंद्र में राज्यसभा, राज्यों में विधान परिषद जो कि सिर्फ 6 राज्यों में है, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, राज्यसभा का 6 साल, विधान परिषद का 6 साल का,
ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते सर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? सर अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को, लेकिन राष्ट्र मनाते हैं 26 जून को, 26 नवंबर को। क्या लगाओगे? 26 नवंबर। उस दिन वर्गीज कुरियन का क्या था? बर्थडे होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या लगाओगे? सर कहता है हरपिंदर सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं और इसे मुझे आप होमवर्क के तौर पर घर से दे दोगे, घर से। मैं आपको कल 9 PM पर फिर से मिलूंगा और 5 PM पर आपके मेन चैनल एग्जाम पर मिलूंगा। ये थी तुम्हारी आज की क्लास। हमने करंट ज्यादातर कंप्लीट कर ली है, तुम्हें कोई दिक्कत पेपर में होने नहीं वाली है, ठीक है। और हमने बहुत सारी GS भी कवर करी है, तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। ये थी तुम्हारी आज की क्लास, और बिहुला उत्सव वाले कमेंट में बताना, ठीक है, कि क्या है। चलिए, थैंक यू। ये थी तुम्हारी आज की क्लास, और कल मिलेंगे अपना सेम टाइम सेम जगह इवेंट पे आप पहुंच जाना। और जिसको रात को क्लास ना मिला करे वो लाइव सर्च कर लिया करो भैया, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर अकॉर्डिंग टू यू GST सही है या गलत, ठीक है। अजीत सिंह, GST सही है गलत? देखो GST ना आप उस देश में लगाइए जहां पर पैसा हो लोगों के पास, या पैसा ही नहीं है वो जैसे तैसे तो टैक्स छुपा छुपू के जो है जी रहे होते हैं, है ना, और फिर उनके ऊपर टैक्स ऐसा थोप दोगे बेटा आप डायरेक्ट है बिल्कुल बहुत मोटा टैक्स दो कहीं से भी, हालत बिगड़ जाती है इंसानों की, है ना। तो हम उस लायक नहीं है कि हम GST को सपोर्ट करें या नहीं करें, है ना। हमारे कंट्री के हाल बहुत बुरे हैं, GST यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था। GST से सिर्फ और सिर्फ गरीब और ज्यादा गरीबी में जा रहा है, गर्त में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई मिडिल क्लास तो बहुत कम लोग है भैया, समझ गए, गरीबी है, ठीक है। अगर अभी कोई भारी बीमारी हो जाए घर में किसी को, आपको पता है पड़ोसी से पैसे मांगने पड़ेंगे, या फिर किसी ऐसे से जो खास तुरंत हमें 70-80 हजार रुपए दे दे, तो इतनी इकोनॉमी नहीं बना के लेके चल सकते हम कि हमारे पास 70-80 हजार रुपए हो, समझ गए। तो हमारे देश में मिडिल क्लास नहीं, हम गरीबी में है। ये तो सरकारें फेंकती हैं लंबी लंबी और बोल देती है ऐसे है वैसे है, तो सब जैसा है वैसा है, ठीक है। GST लगा दो, दो टैक्स लगाओ, GST उन लोगों के लिए लगाओ जो अमीर लोग हैं, उनसे लो दबा दबा के, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू, टाटा, कल मिलेंगे।